पल पल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आदाब। इंडिया न्यूज, साधना प्राइम न्यूज, दैनिक जागरण और हिंदी खबर, सब ग्रुप, डीएनए, अमर उजाला, यूएनआई, समाचार प्लस। हाँ, स्कूप वूप भी तो है। ये वो चैनल्स के नाम हैं जो आप पक्का ज़रूर देखते होंगे, या तो इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़े होंगे, या टीवी की शक्ल में आप इन्हें देखते होंगे, या फिर न्यूज़ के शक्ल में आप इनको पढ़ते होंगे। पर आप जानते हैं, आज ही एक ऑपरेशन आया है, ऑपरेशन नंबर 136, जिसमें इन सभी चैनल को पूरी तरह से कोबरा पोस्ट ने नंगा कर दिया है। मैं माफी चाहूंगी मेरे शब्दों के लिए, लेकिन क्या कहें, जब न्याय और उम्मीद जिससे की जाती है, जिससे सच्चाई की उम्मीद रखी जाती है कि चौथा स्तंभ हमारी बात रखेगा, लेकिन चौथा स्तंभ तो हिंदुत्व के एजेंडे में अपना ईमान बेचकर आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है। हम लगातार गोदी मीडिया के इस स्टंट पर आपसे बात करते रहे हैं, लेकिन आज हैंड प्रूफ्स स्टिंग ऑपरेशन के साथ आपके साथ बात कर रहे हैं। चाहे गोदी मीडिया के डिबेट्स हो, जहां पर रोहित सरदाना, सुधीर चौधरी या फिर आप अंजना ओम कश्यप का भी नाम नहीं भूल सकते, ऐसे तमाम लोग हैं जो कि सिलेक्टिवनेस की भी हद पार कर चुके हैं। इन चैनल्स ने कभी भी रोजगार, किसान के मुद्दों पर बात नहीं की, ना ही कभी इनकी कोशिश की कि इनके मुद्दों को आपके सामने रखे। ये लोग हमेशा बहुत ही सिलेक्टिव रहे, और जब इनको इनसे सवाल किए गए तो इन्होंने अपना एजेंडा बिल्कुल क्लियर रखा कि जी हम बीजेपी के हक में बात करेंगे, उसके एजेंडे के खिलाफ ना हम सुनेंगे ना हम बात करेंगे। अगर कोई आप फैक्ट्स के बसात भी अपनी बात रखते हैं तो आप देशद्रोही हैं। अफराजुल आपको याद होगा, आपको पहलू खान याद होगा, आए दिन मॉब लिंचिंग की खबरें आपको याद होगी, आए दिन मुसलमानों को टारगेट बनाना आपको याद होगा, आए दिन किसी न किसी के साथ लव जिहाद के मामले को सुना होगा। आप जानते हैं ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी की सरकार इसी एजेंडे के थ्रू आपके घर तक पहुंची है, और इस मीडिया ने, ये बिकाऊ मीडिया, जिसे चाटोकार मीडिया मीडिया कहना बहुत ही छोटी बात है, मैं गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी आज बेहद गुस्सा है। आज गुस्सा इसलिए है क्योंकि चाहे एक स्टूडेंट जब जर्नलिज्म में एडमिशन लेता है तो वो बहुत अच्छे, बहुत सपने देखता है कि वो बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर अपना करियर बनाएगा, वो आएगा और अपनी हक के साथ अपनी बात रखेगा, अपनी अपनी अपने जितने भी मुद्दे उसको दिखाई देंगे उस पर बेबाकी से बात करेगा। लेकिन माफी चाहती हूँ स्टूडेंट्स, ये ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि ये जितने बड़े बड़े संस्थान हैं, रजत शर्मा, अंजना ओम कश्यप, रोहित सरदाना और सुधीर चौधरी जैसे बकवास पत्रकार लोग जो अपना ईमान तो बेच चुके हैं, आपके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आइए मैं आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाती हूँ, जिसे देखने के बाद आप पूरी तरह से सन्न रह जाएंगे। अपनी बड़ी तहकीकात में कोबरा पोस्ट ने देश के कई मीडिया संस्थानों को पैसे के बदले हिंदुत्व का एजेंडा चलाने को सहमत होते हुए पाया है, जिससे कि चुनाव में लाभ पाने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी हो सकता है। इसके अलावा ये संस्थान राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करने के लिए तत्पर दिखे। इन संस्थानों ने पैसों के लिए इस तरह का दुर्भावनापूर्ण मीडिया कैंपेन चलाने की बात कही है। देश के कानून एवं न्याय, सूचना और तकनीक मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 21 मार्च 2018 को ट्वीट किया, हम बोलने की आजादी और सोशल मीडिया पर खुले विचारों के संप्रेषण का समर्थन करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर अवांछनीय तरीकों से चुनावों को प्रभावित करने के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हाँ,
कुछ इसी तरह की सच्चाई कोबरापोस्ट की तहकीकात ऑपरेशन 136 दर्शाती है, जिसमें कई भारतीय मीडिया हाउस पैसे के बदले कंटेंट से समझौता करने के लिए तैयार दिखे। फिर चाहे बात इलेक्शन के दौरान हिंदुत्व का प्रचार या फिर ध्रुवीकरण की हो, हर चीज के लिए इन मीडिया प्रतिष्ठानों के लोग सहमत हो गए। वरिष्ठ पत्रकार पुष्प शर्मा की तहकीकात के दौरान इन तमाम मुद्दों पर मीडिया प्रतिष्ठानों, जिसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जैसे प्लेटफॉर्म के ऊंचे पदों पर बैठे लोग न सिर्फ तैयार थे, बल्कि मोटी रकम के बदले इस सुनियोजित योजना को, जो कि एक खुल्लम खुल्ला सांप्रदायिक मीडिया कैंपेन था, को चलाने और सफल बनाने के लिए सैकड़ों रास्ते भी बताए। शर्मा ने अपना एजेंडा चलवाने के लिए मीडिया प्रतिष्ठानों के ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को अच्छी खासी रकम देने की कोशिश की। इस एजेंडा में पहले चरण में हिंदुत्व के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए विशेष रूप से निर्मित धार्मिक प्रोग्राम चलाना, उसके बाद मुहिम को और धारदार बनाने के लिए सांप्रदायिक रंग देना, जिसमें विनय कटियार, उमा भारती और मोहन भागवत जैसे हिंदुत्व विचारधारा से जुड़े लोगों के भाषणों का प्रचार शामिल है। चुनाव के नजदीक आने पर कैंपेन के तहत राहुल गांधी, मायावती और अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं पर पप्पू, बुआ और बबुआ जैसे अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल कर व्यंगात्मक प्रोग्राम चलाना भी शामिल है। मीडिया प्रतिष्ठानों को ये कैंपेन अपने तमाम प्लेटफॉर्म जैसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो और डिजिटल, जिसमें ई न्यूज पोर्टल, ई पेपर, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर चलाना है। ये तमाम बातें आईपीसी की धाराओं के तहत दंडनीय अपराध है। साथ ही ये तमाम कारनामे 1978 में भारतीय संसद द्वारा प्रेस के वॉचडॉग के रूप में स्थापित किया गया था। ये तहकीकात लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और मीडिया को लग चुके रोग और गोरख धंधे की न सिर्फ सूचक है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि किस तरह भारतीय मीडिया आज सेल पर है। बातचीत के दौरान सामने आए तमाम पहलुओं का सार कुछ इस तरह है। ये अध्यात्म और धार्मिक प्रवचनों की आड़ में हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए तैयार हो गए, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश का खुला उल्लंघन है। ये ऐसा कंटेंट चलाने को तैयार हो गए जो कि चुनाव को धार्मिक आधार पर तरंगित कर सकता है। ये सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाने और विरोधी पार्टी के नेताओं की छवि खराब करने के लिए बदनाम करने वाला कंटेंट चलाने के लिए तैयार हो गए। इनमें से काफी संस्थान इस काम के लिए रकम कैश में भी लेने को तैयार हो गए। कई संस्थानों के मालिक या फिर अधिकारियों ने आरएसएस से अपने जुड़ाव की बात मानी या फिर अपना झुकाव पहले से ही हिंदुत्व की तरफ होने की बात कहकर खुशी खुशी इस अभियान को चलाने की बात कही। कई मीडिया संस्थान सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में स्टोरी लिखने के लिए तैयार हो गए। इस काम के लिए कई मीडिया संस्थान न सिर्फ एडिटोरियल चलाने बल्कि उन्हें खुद करने को भी तैयार हो गए। लगभग सभी मीडिया संस्थान, जिसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो और डिजिटल, जिसमें ई न्यूज पोर्टल, ई पेपर, वेबसाइट और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर पर इस अभियान को चलाने के लिए तैयार दिखे। कुछ मीडिया संस्थान पत्रकारों के जरिए न सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के लिए तैयार हुए, बल्कि दूसरे संस्थानों के पत्रकारों के द्वारा भी सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में खबरें कराने की बात कही। कुछ मीडिया संस्थानों के लोगों ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि वो सरकार के कहे मुताबिक काम करते हैं और अपने व्यापारिक संबंधों की वजह से सरकार को नाराज करने का जोखिम नहीं उतार सकते। कई संस्थान राहुल गांधी जैसे नेताओं के चरित्र हनन के कंटेंट बनाने और प्रचार करने को तैयार हो गए। इन मीडिया संस्थानों में कुछ कैबिनेट मंत्री अरुण जेटली, मनोज सिन्हा, जसवंत सिन्हा, मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी के खिलाफ स्टोरी चलाने के लिए भी राजी हो गए। कुछ संस्थान एनडीए सरकार में बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के बड़े नेताओं जैसे अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भी स्टोरी चलाने के लिए तैयार हुए। कुछ मीडिया संस्थान प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, कामिनी जसवाल और इंदिरा जयसिंह जैसे कानूनी जानकार और नागरिक समाज के बीच जाने माने चेहरों को बदनाम करने के लिए भी सहमत दिखे। कुछ संस्थानों के आंदोलन करने वाले किसानों को माओवादियों के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए भी सहमति जताई। पत्रकार पुष्प शर्मा श्रीमद् भागवत गीता प्रचार समिति उज्जैन के प्रचारक बनकर इन मीडिया संस्थानों के लोगों से मिले और खुद का नाम आचार्य छत्रपाल अटल बताया। साथ ही शर्मा ने खुद को आईआईटी दिल्ली और आईएमआईएम बंगलौर के पास आउट बताया। खुद के ऑस्ट्रेलिया में बसने और स्कॉटलैंड में गेमिंग कंपनी चलाने की बात कहकर हिंदुस्तान में हर चंद महीने हिंदुत्व के प्रचार प्रसार के लिए काम करने की बात भी कही। कुछ जगहों पर शर्मा ने खुद को ओम प्रकाश राजभर की
सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई का प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी भी बताया। इसमें दिलचस्प बात यह है कि पुष्प को ये जिम्मेदारी खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ही दी। मध्य प्रदेश इकाई का प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी बनाने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने पुष्प को अपने लड़के अरविंद से मिलने के लिए बोला। अरविंद ने मुलाकात के दौरान पुष्प की नियुक्ति के लिए 50,000 रुपए भी लिए। शर्मा ने कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए देश भर के मीडिया संस्थानों के लोगों से मुलाकात की और अपने कैंपेन को चलाने की बात। इस कैंपेन का मुख्य हिस्सा पैसे के बदले प्लांट खबर चलाकर कांग्रेस, जनता दल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की छवि धूमिल करना भी था। कैंपेन में शुरुआत के 3 महीने सॉफ्ट हिंदुत्व का पेड कंटेंट चलाने के बाद खुले तौर पर सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में 2019 के लिए माहौल बनाना शामिल था। सैंपल के तौर पर शर्मा ने कुछ जिंगल्स मीडिया संस्थानों के लोगों को सुनाए। ताज्जुब की बात यह है कि इन जिंगल्स को कुछ MF स्टेशन ने ही तैयार किया है। ये जिंगल साफ तौर पर छवि खराब करने वाले, बदनाम करने वाले और मिथ्या थे, जो जनता के सामने संबंधित नेता की छवि को कमजोर साबित कर रहे थे। बातचीत के दौरान पुष्प शर्मा ने कहा कि इस काम के लिए उनके संगठन ने सिर्फ कर्नाटक इलेक्शन के लिए 742 करोड़ रुपए का बजट रखा है और आने वाले आम चुनावों के लिए बजट 1,000 करोड़ रुपए है। इस बजट के सामने लगभग सभी मीडिया प्रतिष्ठानों के ऊंचे पदों पर बैठे लोग नतमस्तक हो गए और शर्मा के बताए एजेंडे को चलाने को तैयार दिखे। प्रेस और खबर समर्थक पेरिस की रिपोर्ट सेंस प्रिडियंस यानी RSF, जिसे संयुक्त राष्ट्र में सलाहकार का दर्जा प्राप्त है और दुनिया भर की 18 पत्रकारिता क्षेत्र की संस्थाएं जिससे जुड़ी हैं, इस साल 2017 में भारत को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्शन में 136वें पायदान पर रखा है। इसलिए इस खबर को हमने ऑपरेशन 136 नाम दिया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्टोरी जारी होने से चंद दिन पहले पुष्प शर्मा ने कई मीडिया हाउसों से अपने एजेंट में कुछ और मांगे शामिल की। अपने अभियान के दौरान पुष्प ने इन मीडिया हाउसों को न केवल केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, मनोज सिन्हा, जसवंत सिन्हा, मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी के खिलाफ स्टोरी चलाने के लिए कहा, बल्कि बीजेपी के गठबंधन योगियों के प्रमुख नेताओं के खिलाफ भी खबरें चलाने के लिए बोला। पुष्प ने इन्हें कुछ ऐसी कहानियां प्रकाशित करने के लिए भी कहा, ताकि देश भर में आंदोलन करने वाले किसानों और माओवादियों द्वारा उकसाए हुए दिखाया जा सके। इसके बाद पुष्प ने इन्हें प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, कामिनी जसवाल और इंदिरा जयसिंह जैसे वकील, नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ने वालों को भी लक्ष्य करने को बोला। आखिर में पुष्प ने कुछ संस्थानों के लोगों से ये भी मांग की कि वो न्यायपालिका के फैसलों पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उन्हें लोगों के सामने ऐसे प्रस्तुत करें ताकि लोगों की नजरों में ये फैसले संदिग्ध और विवादास्पद बने रहें। आप भी सोच रहे होंगे कि जाहिर तौर पर हर मीडिया हाउस ने ऐसी शर्तें मानने से इनकार कर दिया होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पत्रकारिता के इस दौर में कुछ भी संभव है। यहाँ दोहरी चाल चली जाती है, बस इन्हें पैसों का दम दिखाइए, फिर जिस मर्जी नेता या पार्टी को बदनाम करा दीजिए। तहकीकात के दौरान कुछ विशेष समूहों और लोगों के नामों का इस्तेमाल किया गया है जो पूरी तरह आकस्मिक थे और सच्चाई को सामने लाने के लिए जरूरी थे। ऑपरेशन 136 के पहले भाग में हमने इंडिया टीवी, दैनिक जागरण, हिंदी खबर, सब ग्रुप, DNA, अमर उजाला, UNI, 9X, समाचार प्लस, HNN, 24/7, पंजाब केसरी, स्वतंत्र भारत, स्कोप वो, Rediffil.com, इंडिया वॉच, AJ हिंदी डेली, साधना प्राइम, न्यूज से जुड़े लोगों की बातचीत के प्रमुख अंश दिखाए। दुनिया में प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत का स्थान 136वां है। इस तहकीकात के बाद ये साफ हो गया है कि कैसे देश भर के मीडिया प्रतिष्ठान के ऊंचे पदों पर बैठे लोग पेड न्यूज को बढ़ावा देकर लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। देश के 183 मिलियन घरों में टीवी है, यानी जनसंख्या के 42% लोग टीवी देखते हैं।
39% लोग अखबार पढ़ते हैं, 730 मिलियन मोबाइल उपभोक्ता हैं और 42 मिलियन उपभोक्ता इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सैकड़ों प्राइवेट रेडियो स्टेशन हैं और 64% भारतीय एफएम रेडियो सुनते हैं। इन आंकड़ों पर नजर दौड़ाइए तो भारतीय मीडिया की पहुंच बहुत व्यापक और गहरी है। निश्चय ही वह जनमानस को प्रभावित करने में कारगर है। 90 के दशक के अयोध्या आंदोलन से लेकर 2002 के गुजरात दंगों तक पीसीआई एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया और पीयूसीएल में तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जहां कुछ मीडिया संस्थानों ने सांप्रदायिक पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की। पेड न्यूज मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के अलावा मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बाहुबली डीपी यादव की पत्नी और उत्तर प्रदेश के विधायक रही उमलेश यादव दंडित हो चुके हैं। 2012 के विधानसभा चुनावों के दौरान इलेक्शन कमीशन ने पेड न्यूज के 1200 मामले दर्ज किए थे। लॉ कमीशन भी पेड न्यूज से जुड़े मामलों की रोजाना सुनवाई का पक्षधर है ताकि देश की लगभग 1.5 अरब आबादी को पेड न्यूज के जहर से बचाया जा सके। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार या न्यायपालिका प्रेस की विवादास्पद को बनाए रखने के लिए और इनके द्वारा किए जाने वाले झूठ और दुष्प्रचारों पर कोई ठोस कदम उठाती है ताकि भारतीय मीडिया को समाज में सम्मान मिल सके। हालांकि इस काम के लिए पहले ही काफी देर हो चुकी है। तहकीकात के दौरान कुछ विशिष्ट समूह और लोगों के नामों का इस्तेमाल किया गया है जो पूरी तरह आकस्मिक थे और सच्चाई को सामने लाने के लिए जरूरी थे। बाबाओं के बारे में आपने सुना होगा कि बाबा किस तरह से अपनी चिकड़ी चुपड़ी बातों से आपका माइंड वॉश करते हैं और आप उनकी बातों पर यकीन करने लगते हैं। बिल्कुल आज के टाइम पे मीडिया है वो पूरी तरह से बाबा के रोल में है और आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमको बताएं।